हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के ऊपर एक बार फिर से। और आज आपके लिए बहुत बड़ी खबर है रेलवे डी ग्रुप स्कैम के बारे में। जो रेलवे डी ग्रुप के अंदर घोटाला हुआ है उसके लिए बहुत बड़ी खबर है। जैसे कि आप जब जानती हैं घोटाले के बारे में तो क्या हुआ है, अब जो है आपके साथ रवीश कुमार भी जुड़ गए हैं। रवीश कुमार को आप जानते हैं, उन्होंने जो है पूरा बड़ा लेटर लिखा है अपने फेसबुक पेज के ऊपर, आप जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी के परीक्षार्थियों के कुछ सवाल हैं, जवाब दे दें रेल मंत्री जी को, ये बात उन्होंने कही है। इसके अंदर पूरी की पूरी बात लिखी हुई है। आप लाखों बार पीयूष गोयल के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर ले, कुछ नहीं होगा, पहले भी नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा। तो इस तरह से उन्होंने पूरा लिख रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, छात्रों का मैसेज कहता है कि रेलवे के ग्रुप डी के रिजल्ट में कथित रूप से बड़ा घोटाला हुआ है। 100 नंबर के पेपर में 111 नंबर आए हैं, 120 नंबर आए हैं, 148 नंबर आए हैं। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर 25 से 35 नंबर बढ़ाए गए हैं। जिसे 64 नंबर आया है वो पास नहीं, उसका 45 नंबर वाला पास हो चुका है। एक दूसरा मैसेज कहता है कि 100 नंबर के पेपर में 109, 148, 105, 111, 102, 101 अंक आए हैं। जिनके अंक 40-50 हैं उनका नंबर नॉर्मलाइजेशन करके 80-85-87-90 तक कर दिया गया है। 60-65-66-70-75 अंक वालों को नॉर्मलाइजेशन करके 58-63-71 कर दिया गया है। ऐसे लोग पास होने से वंचित हो गए हैं। छात्र अपना पासवर्ड दे रहे हैं कि मैं खुद चेक कर लूं, लेकिन रवीश कुमार को अंग्रेजी और गणित नहीं आती है, यह बात दुनिया को मालूम चले ताकि फिर से कोई ऐसी चुनौती ना दे सके। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पूरी की पूरी खबर, इन्होंने क्या लिखा है। तो इन्होंने भी आपके साथ आ गए, आप प्रोटेस्ट करें खुल करके। आपके जो हैं सभी साथ हैं, हम भी साथ हैं और बहुत सारे बच्चे साथ रहेंगे। आप जो है प्रोटेस्ट में आओ। और इंडिया में जो है आज बहुत सी जगह प्रोटेस्ट भी किए हैं, उसकी वीडियो भी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और आप भी अभी तक प्रोटेस्ट में नहीं गए हैं तो कल अपने अपने इलाके के सभी इकट्ठे होकर के जो है प्रोटेस्ट जरूर करिएगा। और रेलवे ग्रुप डी से वालों मंत्री से मांग करिएगा कि हमारा रिजल्ट दोबारा आना चाहिए और साफ़ सुथरी भर्ती होनी चाहिए, और जो पेपर हुए हैं उनमें भी चेकिंग करवाई जाए कि कोई गड़बड़ तो ना आए। तो ये फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा और आपको जो है प्रोटेस्ट के लिए उत्साहित करना चाहूँगा, क्योंकि प्रोटेस्ट करोगे तभी बात बनेगी, वरना आगे आने वाले एग्जाम जो अभी 1,30,000 वैकेंसी आई उनमें भी ऐसा ही होगा। तो फ्रेंड्स, जल्द से जल्द प्रोटेस्ट की तैयारी कर लीजिए। अब हमें जो है अपना हक चाहिए है, हमें जॉब मिलनी चाहिए अगर हम एप्लीकेबल हैं तो, और हमारा रिजल्ट जो है इसके दोबारा आना चाहिए। पूरी साफ़ सुथरी भर्ती होनी चाहिए, ये चेकिंग होनी चाहिए पूरी अच्छे से, फिर जो है रिजल्ट आना चाहिए। हम नहीं कहते कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो या फिर रिजल्ट दोबारा दो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सारा काम जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए, रिजल्ट जो है रिवाइज्ड होकर के और जमा बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हो तो। थैंक यू।